नमस्कार, मैं उप्रिया। आज 28 दिसंबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। आईसीएमआर ने असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र किए जारी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने आईसीएमआर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2020 के प्रवेश पत्र को जारी कर दिया है। इस भर्ती परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थी आईसीएमआर की आधिकारिक वेबसाइट icmr.gov.in और pgimer.edu.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थी डायरेक्ट लिंक से भी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें, आईसीएमआर असिस्टेंट की परीक्षा एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जिसका आयोजन 3 जनवरी 2021 को किया जाएगा। बिहार के बेटे को मिली अमेरिका के विश्वविद्यालय से 2 करोड़ की स्कॉलरशिप। राजधानी पटना के एक छात्र ने एक बार फिर से बिहार का मान बढ़ाया है। पटना के 18 वर्षीय हाई स्कूल छात्र अभिनव खन्ना ने अमेरिका के क्लीवलैंड स्थित प्रतिष्ठित केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी से 2 करोड़ की छात्रवृत्ति हासिल की है। पटना के राजेंद्र नगर के निवासी अभिनव खन्ना ने केस वेस्टर्न से 2 करोड़ की छात्रवृत्ति प्राप्त की है। केस वेस्टर्न रिजर्व विश्वविद्यालय का नाम अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान विश्वविद्यालय में शुमार है। आपको बता दें, केस वेस्टर्न ओहियो के क्लीवलैंड में स्थित एक शोध विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना साल 1826 में हुई थी। पटना के गोलघर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। 20 जुलाई 1786 को गोलघर का निर्माण हुआ था। इसमें एक ही बार में 1,40,000 टन अनाज का भंडारण किया जा सकता है। दरअसल सूखा से निदान के लिए ही इसकी व्यवस्था की गई। इसकी ऊंचाई 125 मीटर और लंबाई 29 मीटर है। इस पर 145 सीढ़ियां बनाई गई है, जिसके द्वारा आप ऊपर चढ़ सकते हैं, पूरा पटना देख सकते हैं। इस जगह से आप गंगा के दृश्य को भी देख सकते हैं। 7 निश्चय योजना के लिए कार्यपालक सहायकों की हुई बहाली। राजधानी में कार्यपालक सहायकों की बहाली हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार, राजधानी में 58 कार्यपालक सहायक की बहाली कर दी गई है और इनमें से 53 लोगों की पंचायतों में तैनाती की गई है। राजधानी के हिंदी भवन में 58 कार्यपालक सहायकों के बीच डीएम कुमार रवि की तरफ से नियुक्ति पत्र का विवरण किया गया है। डीएम ने सभी कर्मियों के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए जवाबदेही से कार्य निष्पादन का निर्देश भी दिया है। आपको बता दें, जिला स्तर पर गठित पैनल से इन कार्यपालक सहायकों का चयन किया गया है। जिला पैनल से 53 कार्यपालक सहायकों की तैनाती पंचायतों में की गई है। वहीं वो आरटीपीएस सहित 7 निश्चय योजना से संबंधित कार्यों को भी उन्होंने देखा है। बिहार में कोरोना के मिले 500 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार, बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 545 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,50,995 पर पहुंच गई है। वहीं टॉप प्रभावित 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 275 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही सारण में 27 तो वहीं मुजफ्फरपुर में 30 मामले सामने आए हैं। जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ चयन। बिहार सरकार में एक बड़ा फैसला लिया गया है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए पार्टी की कमान अब आरसीपी सिंह को सौंप दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक में आरसीपी सिंह को लेकर प्रस्ताव रखा। सीएम नीतीश कुमार का प्रस्ताव सर्वसम्मति से बैठक में पास हो गया। पार्टी के सभी सदस्यों ने नीतीश कुमार के प्रस्ताव का समर्थन किया। बिहार में सत्ताधारी दल जदयू पिछले 20 सालों से भी अधिक समय से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। लंबे समय बाद आरसीपी सिंह के रूप में पार्टी को नया अध्यक्ष मिल गया है। आपको बता दें, आरसीपी सिंह पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहते हुए संगठन का कामकाज बखूबी देखते रहे हैं और उनकी भूमिका पार्टी में अहम मानी जाती है। गया का मशहूर तिलकुट पहुंचेगा आपके दरवाजे पर। गया के तिलकुट अब आपके दरवाजे तक पहुंचने वाले हैं। गया के तिलकुट की खुशबू कई जिलों में देखने को मिली है। अब बिहार के गया के तिलकुट को डाक विभाग द्वारा बिहार के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए शुरुआत कर दी गई है। इसका शुभारंभ चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार के निर्देशन में गया शहर के प्रधान डाकघर में किया गया है। वरीय डाक अधीक्षक रंजय कुमार सिंह ने डाकघर में तिलकुट शॉप का फीता काट कर शुभारंभ कर दिया है। लोग अब यहां से भी तिलकुट खरीद सकते हैं। नई व्यवस्था के तहत 2 दिन के बाद ग्राहकों की मांग पर डाकिया डाक के साथ आपके घर पर तिलकुट भी पहुंचाएगा। डाक विभाग की पहल पर गया के प्रसिद्ध तिलकुट को जन जन तक पहुंचाने के लिए डाकघरों में तिलकुट की दुकान खोली गई है।
बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों के मासिक भत्ता की राशि होगी जारी। पंचायती राज विभाग ने हाल ही में अधिसूचना जारी करके यह बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत मासिक भत्ता की राशि जारी कर दी गई है। इन प्रतिनिधियों के लिए विभाग की तरफ से 1,12,00,00,000 की राशि जारी की गई है। इसमें जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उसके सदस्यों के लिए 2,09,28,000 जारी किए गए हैं, जबकि पंचायत समिति के प्रमुख, उपप्रमुख और सदस्यों के लिए 10,79,68,000 जारी किए गए हैं। वहीं ग्राम पंचायत के मुखिया, उपमुखिया और सदस्यों के लिए 49,55,52,000 जारी किए गए हैं। उनके मासिक भत्ते की राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे दलेर मेहंदी की। दलेर मेहंदी भारत में बॉलीवुड में जाना माना नाम है, जिनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में 18 अगस्त 1967 को हुआ था। पेशे से गायक, संगीत निर्माता, गीत लेखक भी है। उन्होंने फोक, रॉक एंड पॉप, भंगड़ा संगीत गाया है। उनका असली नाम दलेर सिंह है, लेकिन संगीत की दुनिया में इनको दलेर मेहंदी के नाम से जाना जाता है। दलेर मेहंदी एक भारतीय गायक, संगीत लेखक और म्यूजिक निर्माता भी है। दलेर मेहंदी का नाता एक ऐसे परिवार से है जिसमें हमेशा से गायकों की भरमार रही है। दलेर मेहंदी ने अपनी आवाज से सारे संगीत को दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया है। ट्रांसजेंडर को बिहार सरकार अब देगी बड़ी सौगात। बिहार सरकार जल्द ही ट्रांसजेंडर पुलिस बटालियन बनाने वाली है। इसको लेकर राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के सदस्यों ने खुशी जाहिर की है। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां ट्रांसजेंडर पुलिस बटालियन बनने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। बताया जा रहा है कि राज्य में चल रही कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में संविधान के प्रावधान का पालन नहीं किया गया है। इसमें ट्रांसजेंडर श्रेणी के लिए आवेदन का कोई प्रावधान नहीं किया गया था, वजह से जनहित याचिका दायर की गई थी। बिहार की प्रीति प्रदर्शनी को मिला विलियम एच फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से बिहार की प्रीति प्रियदर्शनी को विलियम एच फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फाउंडेशन द्वारा यह अवार्ड हर साल सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले समाज सेवियों को दिया जाता है। प्रीति को यह अवार्ड एमोरी विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ में मास्टर करने के लिए दिया गया है। अवार्ड मिलने के बाद प्रीति ने कहा कि 4 साल पहले जिस फाउंडेशन से प्रेरित होकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया, आज उसी संस्थान से अवार्ड मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। प्रियदर्शनी ने भारत के विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। झारखंड, बिहार और राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर के रूप में उन्होंने काम किया है। बिहार के 300 से अधिक मुखिया नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। बिहार में नए नगर निकाय के गठन के कारण त्रिस्तरीय पंचायतों का भूगोल बदलने वाला है। 300 से अधिक मुखिया इस बार पंचायत चुनाव का हिस्सा नहीं बनेंगे। सरकार ने 103 नए नगर पंचायतों के गठन को मंजूरी दे दी है। इस पहल के कारण 200 से अधिक पंचायत नगर पंचायत क्षेत्र में तब्दील हो गए हैं। इसी कारण 8 नए नगर परिषद के सृजन के साथ ही 32 नगर पंचायतों को अपग्रेड कर नगर परिषद बना दिया गया है, जिसके कारण सीधे तौर पर 60 पंचायत नए नगर परिषद क्षेत्र में चले जाएंगे। इसके अलावा 32 नगर पंचायत को अपग्रेड नगर परिषद बनाने के कारण 40 से अधिक पंचायतें नहीं रहेंगी। यही नहीं, 5 नए नगर निगम बनाने के कारण 20 से 50 पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने सीबीआई से मांगी सुशांत सिंह राजपूत मामले की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से आग्रह किया है कि वो बताएं कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जान कैसे गई थी, उन्होंने खुद अपनी जान ली या फिर किसी ने उनके साथ ऐसा किया था। देशमुख ने कहा कि सीबीआई को जल्द से जल्द मामले में जांच रिपोर्ट को सामने लाना चाहिए। देशमुख ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के गुजर जाने के मामले में महाराष्ट्र देश के लोग सीबीआई के रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोग मुझसे मामले की स्थिति के बारे में पूछते हैं। मैं सीबीआई से यह प्रकट करने का अनुरोध करता हूं कि वो बताए कि यह पूरा मामला है क्या। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी हुई तेज। बिहार पंचायत चुनाव 2021 को लेकर वार्डवार मतदाता सूची को लेकर तैयारी तेज हो गई है, जिसके तहत यह सूची 12 जनवरी तक तैयार की जाएगी। 13 से 18 जनवरी के बीच प्रारूप मतदाता सूची की छपाई और 19 को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का वार्डवार विखंडन किए जाने के बाद उसे डेटाबेस की तैयारी एवं प्रारूप मतदाता सूची के सॉफ्ट प्रति में तैयार करने को लेकर 29 दिसंबर 2020 से 12 जनवरी 2021 तक का समय निर्धारित किया है। शनिवार को आयोग ने राज्य के सभी 38 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में वार्डवार मतदाता सूची के सॉफ्ट प्रति तैयार करने की जानकारी दी गई।
जदयू नेता संजय झा ने तेजस्वी के साथ जदयू के विलय पर कही अहम बात। जदयू नेता संजय झा ने हाल ही में राजद के साथ जदयू के तालमेल को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस 5 साल में यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। एक बार तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बनाकर हम देख चुके हैं, लेकिन उसका परिणाम आपके सामने भी साफ था। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं का उत्थान करने की बात भी कही है। बीते दिन जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने पहुंचे संजय झा ने उक्त बातें कही है। इसके साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्किल मैपिंग की बात पर भी उन्होंने जोर दिया है। आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में जदयू के 6 विधायक भाजपा के साथ मिल गए थे। नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने से भाजपा है खुश। नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को त्यागने के बाद आरसीपी सिंह को जिम्मेदारी सौंपने के फैसले से भाजपा खुश नजर आई है, जिसको लेकर बिहार के वरिष्ठ भाजपा नेता सह पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और राज्यसभा सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। इस बाबत उन्होंने कहा है कि उनके नेतृत्व में भाजपा और जदयू का दोस्ताना संबंध बिहार के विकास में नया आयाम लिखेगा। उनका प्रशासनिक और सांगठनिक अनुभव बिहार में एनडीए को और भी मजबूत करेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, देश के वर्तमान राजनीतिक हालात को लेकर जदयू का रविवार को मंथन चल रहा था। इससे पहले एक पार्टी के भीतर बड़ा निर्णय लिया गया है। ठप पड़ी कांग्रेस की गतिविधियों के बीच जल्द ही निकलेगा तिरंगा मार्च। बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी पराजय के बाद से बिहार कांग्रेस की गतिविधियां लगभग रुकी हुई हैं। जिलावार हार की समीक्षा की घोषणा करने के बाद भी अब तक इसका काम शुरू नहीं किया गया है। अलबत्ता किसानों के समर्थन में वाम दलों के विरोध प्रदर्शन में पार्टी के नेताओं की थोड़ी बहुत सक्रियता जरूर नजर आई है। लगभग 1.5 महीने की शांति के बाद अब केंद्रीय नेतृत्व के एक निर्देश के बाद पार्टी अपना 136वां स्थापना दिवस मनाने की तैयारी में जुट गई है। हालांकि स्थापना दिवस पर भी साधारण तरीके से कार्यक्रम की तैयारी है। आज पार्टी के नेता कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय में जमा होंगे और पार्टी संगठन को मजबूत और एकजुट रखने की शपथ लेंगे। इसके साथ ही तिरंगा मार्च भी निकाला जाएगा। चिराग के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी जदयू। विधानसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान जैसे अब चिराग जलाकर ढूंढने पर ही मिलेंगे, क्योंकि चिराग पासवान पूरी तरीके से मीडिया से भी गायब नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने की सुगबुगाहट भी बीच बीच में देखने को मिल जाती है, जिसको लेकर जदयू ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। कभी एनडीए में सहयोगी रही लोजपा को लेकर जदयू ने साफ कह दिया है कि उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पार्टी के महासचिव केसी त्यागी ने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए से चिराग का पत्ता साफ हो गया है और वो कभी गठबंधन का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। जदयू ने यह बातें सिर्फ चर्चाओं को लेकर कही है, जिसमें कहा जा रहा है कि चिराग को उनके पिता की जगह मोदी कैबिनेट में दी जा सकती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी की 1885 में स्थापना आज ही के दिन हुई। सिनेमा के इतिहास में 1895 में पहली बार किसी कहानी को फिल्म का रूप आज ही के दिन दिया गया था। कोलकाता में 1928 में पहली बार बोलती फिल्म मेलोडी ऑफ लव प्रदर्शित हुई थी। राजीव गांधी के नेतृत्व में 1984 में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में आज ही के दिन जीत मिली थी। भारतीय डाक विभाग द्वारा 2000 में वीरता पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में 5 डाक टिकटों के सेट में 3 रुपए का एक सचित्र डाक टिकट जारी किया गया था। आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति धीरूभाई अंबानी का जन्म 1932 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा का जन्म 1937 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय राजनेता अरुण जेटली का जन्म 1952 में आज ही के दिन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम से एक बार फिर किया देश का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन देशवासियों से मन की बात कार्यक्रम के तहत एक बार फिर से पूरे देश का संबोधन किया था, जहां उन्होंने देशवासियों से कूड़ा कचरा ना ही फैलाने का संकल्प लेने का आग्रह किया है और इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से देश को मुक्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। उन्होंने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 72वें संस्करण में अपने विचार साझा किए, साथ ही यह कहा कि साल 2014 और 2018 के बीच तेंदुओं की संख्या 60% से अधिक की बढ़ोतरी पर प्रसन्नता हो रही है और यह देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही स्वच्छता पर अपने भाषण को केंद्रित करते हुए उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले प्रदीप सांगवान और कर्नाटक के युवा दंपति अनुदीप तथा मीनूषा द्वारा स्वच्छता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। टीम इंडिया के प्रदर्शन पर खुश नजर आए वसीम जाफर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भी भारतीय टीम का दबदबा रहा। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 277 रन बना लिए थे। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 82 रनों की बढ़त हासिल कर ली। कप्तान अजिंक्य रहाणे 104 रन और जडेजा 40 रन बनाकर नॉट आउट है। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों की कोशिश होगी कि वो बढ़त को और बड़ा
करते जाएं, वहीं भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन से भारत के पूर्व बल्लेबाज वसीम जाफर काफी खुश नजर आए हैं। उन्होंने कंगारू टीम को ट्विटर पर ट्रोल करते हुए मीम शेयर किया है, जिसको शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि अगर आपने आज का खेल नहीं देखा तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। गौहर खान और जैद दरबार का रोमांटिक डांस सोशल मीडिया पर कर रहा है ट्रेंड। गौहर खान और जैद दरबार ने हाल ही में एक दूसरे से शादी की है, वहीं उनका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। गौहर खान और जैद दरबार ने अपने रिसेप्शन पार्टी में तुमसे मिलके ऐसा लगा गाने पर रोमांटिक डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें कि निकाह के दिन ही दोनों की रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी। दोनों ने इस गाने पर डांस किया, जिसको देखकर फैंस काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उनकी शादी में करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों को ही बुलाया गया था। मुंबई के ITC ग्रैंड मराठा होटल में दोनों का निकाह और रिसेप्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। दोनों सितारे बीते कई दिनों से लगातार अपनी शादी के कार्यक्रम की तस्वीर शेयर करते नजर आ रहे थे। गूगल ने अपने ब्लूटूथ फीचर में किया बदलाव। गूगल एंड्रॉइड स्मार्टफोन में अब फास्ट पेयरिंग की बात आती है तो वो एप्पल को कॉपी कर रहा है। फास्ट पेयरिंग फीचर को 2017 में एंड्रॉइड पर लॉन्च किया गया था। इससे आप अपने हैंडसेट के पास ब्लूटूथ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब तक जो ब्लूटूथ एक्साइज को हैंडसेट के पास लाया जाता है, तो यह सवाल के साथ साथ ऊपर से डिवाइस का थंबनेल दिखता था। आपको सिंपल टाइप करना होता था और फिर वो कनेक्शन स्टार्ट हो जाता था। हालांकि गूगल ने अभी UI बदल दिया है, लेकिन अब इसमें कनेक्टिंग ऑप्शंस दिखाया जाता है। जब आप AirPods Pro, AirPods Max हेडफोन को कनेक्ट करते हैं, तब यह ठीक iPhones की तरह ही दिखता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 27 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,730 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,730 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,600 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.32 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 79.10 रुपए प्रति लीटर था। भोजपुर के युवाओं ने मचाया धमाल। भोजपुर के युवाओं ने धमाल मचा दिया है। भोजपुर के दो होनहार युवाओं ने स्टूडेंट कैटेगरी में अपना शॉर्ट फिल्म को इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के मंच तक पहुंचाने का काम किया है, जिससे जिले का गौरव भी बढ़ गया है। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में अपनी शॉर्ट फिल्म को पहले पायदान पर लाकर आरा के राहुल और नीलाम्बर ने धमाल मचा दिया है। इस बार स्टूडेंट कैटेगरी में दो फिल्मों को स्थान दिया गया है, जिसमें से एक फिल्म को आरा के दो युवाओं ने मिलकर बनाया है। 22 दिसंबर को भोजपुर के इन दो युवाओं की 9 मिनट 12 सेकंड की बनी फिल्म कैचिंग द सन का चयन नेशनल साइंस फेस्टिवल में प्रस्तुत किया गया था। आपको बता दें, नीलाम्बर पाठक कोइलबर प्रखंड के किशनपुर के रहने वाले हैं। इसके साथ ही राहुल कुमार बरहरा के बिश्नपुर के रहने वाले हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है विपिन बिहारी, साजन राज, रवि कुमार, प्रियंका कुमारी, रंजीत मेहता, मनीष मोहरा, रोहित गुप्ता, राधेश्याम, रूपेश कुमार, श्रेया कुमारी, तुषार कुमार, मनीष कुमार, मोहम्मद शाहनवाज, सोमनाथ मिश्रा, असलम राज, सीके यादव। इसके हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के भारतीय पारी से अब किस टीम के जीतने की संभावना आपको ज्यादा लग रही है, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।